अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने घर में मौजूद रोज़ प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास बाज़ार में कई किस्म की फर्टिलाइज़र मौजूद हैं, तो आज हमने उन्हीं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सीखना है कि हम किस तरह रोज़ प्लांट में इस्तेमाल करके इसको ग्रीनी, हेल्दी और फूलदार बना सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास आम तौर पर बाज़ार में फर्टिलाइज़र मौजूद है, उनमें सबसे पहले है DAP यानी ब्लैक फर्टिलाइज़र। तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं कि DAP क्या है। तो DAP असल में दो एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर एक नाइट्रोजन मौजूद है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है फास्फोरस। तो ये भी एक ज़रूरी अंसर है प्लांट्स की ग्रोथ, नशोनुमा, फूल और फल के लिए। तो ये थी डाई अमोनिया फास्फेट यानी DAP। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आम बाज़ारों में फर्टिलाइज़र मौजूद है जिसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये है यूरिया। तो यूरिया के अंदर बेसिकली एक ही एलिमेंट्स मौजूद है जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल ही पौधों के लिए नुकसानदेह है। तो मगर हमने आज यही सीखना है कि हम कितनी मिकदार में इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने प्लांट्स को हेल्दी, ग्रीनी और फूलदार बना सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने रोज़ प्लांट के पास, तो हम देखते हैं कि हमने कितनी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो ये प्लांट्स तकरीबन हमारे पास 1.5 साल ओल्ड है, तो इसी में हम इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइज़र को। तो ये हमारे पास यूरिया है और दूसरी DAP। तो हम यही जानेंगे कि हमने कितनी मिकदार में, कितनी रेशियो में इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है DAP, तो तकरीबन इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करना है आपने। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है यूरिया, तो इसमें क्योंकि खालिस नाइट्रोजन होती है तो इसकी आपने बहुत ही कम मिकदार इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मिकदार प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने एक पौधे के लिए बस इतनी ही फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। तो आपने आपस में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने अपने प्लांट से तकरीबन 1 फुट की दूरी पर, क्योंकि प्लांट्स के बिल्कुल उसके जो तना है उसके नज़दीक फर्टिलाइज़र नहीं डालनी, क्योंकि हमने जड़ों की ग्रोथ करनी है तो हम तकरीबन 1 फुट उससे दूर फर्टिलाइज़र डालेंगे, ताकि प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो मज़ीद ग्रोथ करके इस फर्टिलाइज़र को हासिल करने की कोशिश करें, तभी जो हमारा प्लांट्स है वो इस फर्टिलाइज़र से फ़ायदा उठा सकेगा। तो आपने इसी तरह कर देना है ट्रेलिंग थोड़ी, और ड्रिलिंग करने के बाद आपने इस फर्टिलाइज़र को मिक्स करके इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल देना है। तो जितनी फर्टिलाइज़र आप पौधे से तने से थोड़ा दूर डालेंगे उतना ही ये फ़ायदेमंद होगी। तो आपने इसी तरह इसको थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद इसको अच्छी तरह ज़मीन के अंदर आपस में मिक्स कर देना है। कोशिश करें कि ये तकरीबन हमारे पास 1/2 इंच ज़मीन के अंदर चली जाए, ताकि ये फ़िज़ा में ज़ाया होने से बच जाए। तो इसी तरह आपने इसकी अच्छे तरीके से गोदिंग कर लेनी है यानी ट्रेलिंग। तो ये करने के बाद आपने इसके ऊपर पानी डाल देना है, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और प्लांट्स को जो है तकरीबन 1 घंटे बाद, 1 ही दिन में इसको मैसर हो जाएगी। तो ये इजीली जो होती हैं वो डिज़ाल्व हो जाती हैं मिट्टी में। तो आपने बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये इसके ज़मीन के अंदर चले जाएगी बहुत नीचे। तो हमारा मकसद है कि ये नज़दीक ही मौजूद रहे, ताकि हमारा जो प्लांट्स है इसको इस्तेमाल कर सके। तो इसी टेक्निक से आप फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके अपने प्लांट्स को हेल्दी, ग्रीनी और फूलदार बना सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने किसी तरह इस चमेली के प्लांट्स को भी इसी तरह इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हेल्दी और ग्रीन बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यह पौधा कितना ही खूबसूरत ग्रीनी और फूलदार नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।